अभी तक क्या पढ़ लिया था? अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल में कि ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कॉन्ग्रेंस क्या होता है। कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस में कई सारी चीजें थी। ठीक है, कॉन्ग्रेंस सिंपल सी चीज है, हमें सिर्फ तीन पैरामीटर देखने होते हैं। ठीक, चाहे दो एंगल एक साइड, दो साइड एक एंगल, या फिर तीनों साइड। इसी तरीके से और भी कई सारे हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और कॉन्ग्रेस में एक जो कंडीशन थी हम लोग की, कौन सी? एंगल, साइड और एंगल, ये हम लोगों ने कर लिया था, और साइड एंगल साइड ये हो गया था। ठीक है, अब उसी कंटिन्यूशन में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलते हैं कि अगर एंगल, क्या बोलते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल और इक्वल, मतलब क्या हुआ कि कोई हम कोई एक क्या है, एक आइसोसेलस आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलस ट्रायंगल वो होते हैं जिस ट्रायंगल के दो आर्म्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दो आर्म्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इस केस में अगर दो आइसोसेलस ट्रायंगल से, तो इसी कौन सा साइड हमें बराबर है? ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो अगर आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो फिर जो आर्म साइड हमारी ए बी इक्वल टू ए सी है, उसके सामने कौन सा एंगल है? यहाँ ये फिगर दिख रहा है, ये ए बी लेंथ हमारी है, इसके सामने कौन सा हमारा एंगल है? ये सी एंगल है। और एसी के सामने कौन सा एंगल है? बी एंगल है। तो थ्योरम क्या बोलता है कि आइसोसेलस ट्रायंगल्स के जो इक्वल साइड हैं, उनके सामने के जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। चलो इसको प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ दिया क्या है गया कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, और अब प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए क्या किए हैं, बीच में एंगल ए को बाइसेक कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? बाइसेक कर दिया एंगल ए को, और बाइसेक जब किए हैं तो नीचे एक पॉइंट हमारा क्या है, डी पॉइंट है, जो बी जो बी सी है उसको कट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर दो ट्रायंगल हम लोग के हो गए हैं। एक ट्रायंगल हो गया है ये ट्रायंगल, ये ए, ये डी, ये बी। दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया? ये ए डी सी, ए डी सी। सो इससे प्रूफ, पहले प्रूफ करेंगे कि आइसोसेलस, पहले प्रूफ करेंगे कि कॉन्ग्रेस, अगर कॉन्ग्रेस हम प्रूफ कर ले गए तो फिर इसके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। तो पहले क्या दिया गया, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है। क्यों है? क्योंकि ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये दिया गया है। दूसरा क्या है, जब ऊपर से एंगल ए को बाइसेक किए थे, तो एंगल ए बी ए डी और डी ए सी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है इसको। और तीसरी चीज क्या हो गई है, ए डी लाइन, ये क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई हैं, क्या है, एक साइड एक एंगल और एक साइड। तो ये 22 एस ए एस रूल जिसको बोलते हैं, साइड एंगल साइड रूल्स से ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल सी ए डी क्या है, कॉन्ग्रेंस हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए हैं, फिर तो बल्ले बल्ले क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी, कौन सा एंगल? ए बी डी, ये एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हो गया है। क्या हुआ, ये हम लोग का प्रूव हो गया है कि आइसोसेलस ट्रायंगल में जो आर्म्स इक्वल होती हैं, उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या है? वो कहता है कि अगर साइड अपोजिट है, जो साइड अपोजिट है वो इक्वल एंगल है, ठीक, तो ट्रायंगल और इक्वल होंगे। ठीक, ये हमारा बेसिकली जो ऊपर वाली थ्योरम है
उसका कन्वर्स कहा गया है। मतलब क्या हुआ, किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम है, ठीक, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, अपोजिट साइड। क्लियर है? ये जो थ्योरम है ऊपर वाले थ्योरम का कन्वर्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ये एक ट्रायंगल दिया गया है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या है, एक ये बाइसेक्टर एडी है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, ये गिवन है, गिवन है बाई बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक तो कहा गया है कि एडी जो हमारा है परपेंडिकुलर, ये क्या बाइसेक्टर, एडी जो है बाइसेक्टर, और दूसरा क्या है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, साइड बीसी के। मतलब एक दूसरी कंडीशन दी गई कि ये एंगल जो हमारा है, कौन सा एंगल, ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, दो एंगल हो गए। सो ये क्या हो गया, इक्वल दिया गया है, ये भी दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो हमें कुछ भी प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, पहले आइसोसेलेशन होगा, कॉन्ग्रेस लेना पड़ेगा, और कॉन्ग्रेस के लिए तीन कंडीशन होती हैं, तो तीसरा क्या है, ए डी इक्वल टू ए डी, ये जो साइड है ये कॉमन हो गई है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेस होगा ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है, ये कॉन्ग्रेस होगा। कॉन्ग्रेस कैसे होगा, बाई एंगल साइड एंगल से ये होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया कॉन्ग्रेस हो गया। अच्छा, ये कॉन्ग्रेस है, ठीक, तो ए बी लेंथ इक्वल टू ए सी लेंथ होगी कि नहीं होगी, सो ए बी इक्वल टू ए सी, ये कैसे होगा, बाई सी पी सी टी से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए बी सी जो भी है, कौन ट्रेंगल ए बी सी, ये एक आइसोसेलस ट्रेंगल है, आइसोसेलस ट्रेंगल। सो अब एक बात बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी ट्रेंगल के दो आर्म्स इक्वल हो या फिर दो एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलस। यहाँ पर देख रहे हो कि ए बी इक्वल टू अगर ए सी है, ये एक ट्रायंगल मान लो ये दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ए बी इक्वल टू अगर ए सी है, सो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या होगा, वो होगा आइसोसेलस ट्रायंगल। प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ई एंड एफ, क्या ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली क्या है, मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, इक्वल साइड ए बी और ए सी। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि साइड ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, तो पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि ये मिड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ए बी और ये मिड पॉइंट है
तो सोचने की बात है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो कह सकते हैं क्या कि ए ई इक्वल टू ई बी होगा कि नहीं होगा? क्यों है? बिकॉज इज मिड पॉइंट, ठीक है, और ए एफ इक्वल टू क्या, ए एफ इक्वल टू एफ सी होगा, क्यों होगा? क्योंकि एफ इज मिड पॉइंट है। क्या है? एफ मिड पॉइंट है। और हमें प्रूफ क्या करना है, इतना दिया गया है। अब अगर सोचने की बात है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, ठीक, तो ये बता दो ये जो एंगल बी है और ये एंगल सी है, ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, होंगे, ठीक है। हम प्रूफ क्या करना है, बी एफ इक्वल टू सी ई, बी एफ इक्वल टू सी ई। अच्छा, तो क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन से, बी एफ और सी। चलो बनाते हैं एक ट्रायंगल बी एफ वाला, तो बी एफ सी ट्रायंगल लेते हैं। चलो एक ट्रायंगल ये हो गया, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया ई, एंगल क्या बी एफ लेना है, बी एफ सी, ओके, ये क्या हो गया सी, और दूसरा एंगल ले लेते हैं, तो ये क्या पॉइंट है सी है, और इसमें क्या है ये बी है, ये सी है और ये एफ है। अब इन दोनों ट्रायंगल में लेना है, ठीक। अब ध्यान से सोचो, ठीक, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है और इसके मिड पॉइंट है, तो ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एफ सी होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो क्या है, हम कह सकते हैं पहले ट्रायंगल क्या ई बी क्या है, ये रहा ई बी, ये ई बी किसके बराबर है, ये बराबर है एफ सी के, ये इसके बराबर है, चलो ये एफ सी के बराबर है, ठीक है, देखिए एफ सी हो गया है। तो पहली चीज तो ये हो गया है, दूसरा ये क्या है, बराबर कैसे हुआ? क्या चीज, ये अभी एफ सी के बराबर कैसे हुआ? अच्छा ई बी एफ सी बराबर कैसे होगा? अच्छा ध्यान से देखो अगर, ठीक, कि ये ट्रायंगल कौन सा है, इसमें कहा गया कि ए बी इक्वल टू ए सी है कि नहीं, बता दो, ए बी ये और ये बराबर दिए गए हैं, बराबर दिए हाँ गए हैं, वो कहा गया है कि ई और एफ इन दोनों के मिड पॉइंट हैं। हाँ अगर ये इन दोनों के मिड पॉइंट हैं, ठीक, तो हाँ ए इक्वल टू ई बी होगा नहीं होगा, उड़ा और ए एफ इक्वल टू एफ सी होगा नहीं होगा? उड़ा अच्छा अब बताओ कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक, तो इन दोनों का हाफ कर दो, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ ए सी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, पर हाफ ए बी क्या होगा, हाफ ए बी को हम लोग ई बी लिख सकते हैं, पर हाफ ए सी को एफ सी लिख सकते हैं, हाँ ले सकते तो वही तो लिखा है ई बी इक्वल टू एफ सी, समझ दे। अभी आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया, ठीक है, तो ई बी इक्वल टू एफ सी हो गया है, पहले चीज तो ये हो गई। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या कुछ दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, एंगल एंगल ई बी सी इक्वल टू एंगल एफ सी
बी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि ए ट्रायंगल एबीसी करस्पॉन्डिंग ये इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरा चीज क्या दिया गया है, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन हो गया है। अगर कॉमन हो गया है तो क्या हो गया है? अब ये हो गया है, तो यहां देखा जाए तीन चीजें हो गई हैं, साइड एंगल साइड है ना। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई बी सी कॉन्ग्रेंस किसके होगा, ट्रायंगल एफ सी बी। क्लियर है? कैसे हुआ, बाई साइड एंगल साइड। ओके, अगर ये दोनों हैं तो हम कह सकते हैं क्या, बी एफ इक्वल टू सी ई होगा, होगा बाई सी पी सी टी से। क्लियर? नहीं सकते हैं, प्रूव हो गया है। नेक्स्ट कहा गया है, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलस है, कौन सा एबीसी, अगर एबीसी आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, और जो ये एंगल है ये वाला, ये भी इक्वल होगा, होगा, ये हम पहले पढ़ चुके थ्योरम से। तो ए बी हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा इसी थ्योरम से, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और कहा गया है कि डी एंड ई आर द पॉइंट है, डी और ई e, क्या है, कुछ पॉइंट बना दिए, ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया है। सच दैट क्या दिया गया है, बी इक्वल टू क्या दिया गया है, बी इक्वल टू सी डी दिया गया है। क्या दिया गया है, बी इक्वल टू सी डी दिया गया है। ध्यान से अगर देखो तो बी ये डिस्टेंस होगी, जी, और है सी डी, सी डी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक, अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, इंटरसेक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, ये डी ई हो रहा है ना। तो अच्छा क्या दिया गया है, बी इक्वल टू सी डी दिया गया है। ठीक, तो शो क्या करना है कि ए डी इक्वल टू ए ई। ठीक, तो अगर ए डी इक्वल टू ए ई करना है तो हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, चलो पहले ट्रायंगल ले बना लेते हैं। ये क्या हो गया, ए ये डी और ये भी, एक ट्रायंगल ये ले लिए हैं, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल ये वाला होगा, ये क्या है, ये ई है, ये सी है, ये ए है। इन दोनों ट्रायंगल को लेके हमें आइसोसेलस प्रूफ करेंगे और ये हो जाएगा। चलो देखते हैं। अच्छा क्या दिया गया है इसमें, इन दोनों में देखा जाएगा आइसोसेलस प्रूफ करना है इन दोनों को। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये बराबर ये दिया गया है, और एंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी है वही तो एंगल हमारा ए बी डी होगा, नहीं होगा, और वही एंगल ए सी बी होगा ये। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई। तो
तो पहली चीज ए बी इक्वल टू ए सी हो गई, पहली चीज ये हो गई, दूसरा एंगल हो गया है। ठीक, अब क्या प्रूफ करना है, हमें एक चीज और चाहिए होगा। अच्छा, बी इक्वल टू सी डी दिया गया है, क्या दिया गया है, बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी डी और ई सी प्रूफ करना हमको लेना है। अगर कॉन्वर्स प्रूफ करना है तो अगर ध्यान से देखो, हमने कहा था जो पूरी लेंथ दी गई है उसमें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, डी ई है। तो क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो क्या करते हैं, बी माइनस डी, सी डी माइनस डी, दोनों में से माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये दिया गया है, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक, इसमें से क्या है, डी माइनस कर दिए, और डी जब माइनस कर देंगे तो बी ई माइनस डी क्या बचेगा, ये बच जाएगा बी डी, और सी डी माइनस डी ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ई, बी डी इक्वल सी हो गया। तो ये तीसरी चीज हो गई। तो अगर फिगर देखा जो हमने अलग से बनाया है, उसमें बी डी इक्वल टू सी हो गया है, तो बी डी इक्वल टू सी हो गया है। तो अगर देखो तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो गया कि नहीं हो गया है, तो कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी ई, ये हो गया। कैसे होगा, बाई साइड एंगल साइड से। अगर ऐसा हो गया है तो, अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो तीसरा जो लेंथ हमारी है एंगल के सामने वाला, ए डी इक्वल टू ए ई हो जाएगा। सो ए डी इक्वल टू ए ई, ये हो जाएगा। कैसे होगा, बाई सी पी सी टी, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ये क्या एक आइसोसेलस ट्रायंगल है एबीसी, आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी है। अच्छा, अगर एबीसी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल बना कर दिए हैं। चलो ये बना लिए, क्या है, ट्रायंगल ए है, ये बी है और सी है। ठीक है, और क्या कहा गया कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, तो ये हम लोग का ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक, और दिया गया है, और क्या कहा गया है कि बाइसेक्टर ऑफ बी और सी, किसका बाइसेक करना है, बी का करना है और सी का करना है। तो बी एंगल को जब बाइसेक कर रहे हैं तो हाफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे बाइसेक कर दिए हैं, और यहाँ से सी को बाइसेक कर दिए ऐसे। ठीक, तो सी को जब बाइसेक कर रहे हैं तो वो जो इंटरसेक कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, एक पॉइंट क्या है, ओ, ये पॉइंट ओ हो गया है, और ये ए पॉइंट आने के बाद क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करना है ए को ओ से। अब ऊपर ए को ए से मिला दिए हैं, तो हम लोग का जो फिगर है ये ऐसे बन जाएगा, क्लियर, ये फिगर ऐसे बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब प्रूफ क्या करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्या प्रूफ करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी कौन सी लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई है, और ओ सी ये लेंथ हो गई, थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं, ये हो गई ओ बी, ये हो गई ओ सी, ये हमको प्रूफ करना है। चलो ये कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, तो मतलब क्या है कि आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, अगर आइसोसेलस ट्रायंगल है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक, अब एंगल बी हम लोग को कौन सा ट्रायंगल चाहिए, ये चाहिए छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा नहीं चाहिए हम लोग को, तो क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल सी को हाफ कर देंगे। तो एंगल बी और सी को जब एंगल हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल ओ बी सी, किसके हो जाएगा, ये एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे। अब क्या हो, अगर ये नीचे वाला ट्रायंगल हमारा है और उसके, अब ध्यान से देखो ये फिगर कैसे बन गया हम लोग का,
ऐसे बन गया। तो ये हो गया ओ, ये बी, ये सी। और इसमें प्रूफ कर दिया हम लोगों ने कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो इसके सामने की जो आम कौन सी है, ओ बी, और इस एंगल के सामने कौन सी आम है, वो ओ सी है, और इसके सामने कौन है, ओ बी है। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव हो गया है। ओके, दूसरे क्या प्रूफ करना है कि जो ओ ए है वो बाइसेक करता है एंगल ए को। अब अगर ओ ए बाइसेक कर रहा एंगल ए को, मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाला एंगल है, ऊपर वाला एंगल कौन सा है, चलो ये दिख रहा है ये फिगर में, जी जी तो क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल के बराबर है। अगर इनको प्रूफ करना है बराबर है तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा और प्रूफ कर देंगे कि आइसोसेल कि ये कॉन्ग्रेंस है, फिर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये सी है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ये ओ हो गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है। क्या दिया गया है, ये ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, ये दिया गया है। और ए ओ जो हमारी है वो कॉमन है ना। और ओ बी इक्वल टू ओ सी क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर प्रूफ किया है। ठीक, तीन चीजें हो गई हैं, क्या क्या हो गई हैं, ए बी ये हो गया है, और ओ ए ये क्या कॉमन है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, साइड 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 कॉन्ग्रेंस हो गया है। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी हमारे कॉन्ग्रेंस में है। अगर कॉन्ग्रेंस में है दोनों ट्रायंगल हैं तो एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ इक्वल होंगे, कैसे होंगे, बाई सी पे सी टी से। क्लियर है, अगर ये बराबर हो गया तो मतलब क्या हुआ कि जो ए ओ है वो बाइसेक करता है एंगल ए को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज ए डी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अगर ए डी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक कर रहा है किसको, बी सी को। ठीक है, तो शो क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, हम इन दोनों को सिंपली आइसोसेलस लेकर करेंगे। तो आइसोसेलस प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखो, तो पहले क्या है, ए डी इक्वल टू ए डी है, ये क्या है, कॉमन लाइन है। ठीक है, क्या है ये, क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, अच्छा, और अगर देखो एंगल ए डी बी, कौन सा एंगल, ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, कौन सा एंगल, ए डी बी ये एंगल और एंगल ए डी सी ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 90 डिग्री है, ये D1 है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कहा गया है ना, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा दिया गया तो दो चीजें हो गई हैं, एक ए डी हो गया है और दूसरा क्या हो गया है, ए बी डी इक्वल टू ए डी सी हो गया है। ठीक, अच्छा, और क्या कहा गया है कि बाइसेक भी कर रहा है ये, अगर बाइसेक कर रहा है तो क्या हो, कह सकते हैं क्या कि बी डी इक्वल टू सी डी होगा, नहीं होगा, होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, दो चीजें कहा गया है, एक तो कहा गया है परपेंडिकुलर, क्या कहा गया, परपेंडिकुलर है, और दूसरा कहा गया है बाइसेक्टर ऑफ बी सी है, ये दो चीजें हैं। तो हमने दोनों चीजों को लिख लिया है, ये भी क्वेश्चन में
गिवन कहा गया है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ये ए डी कॉमन हो गया है और ये बी डी और सी डी ये दिया गया है, तो तीन चीजें हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, क्या ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी, कॉन्ग्रुएंस हो गए, किसके होंगे, ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है। कॉन्ग्रुएंस कैसे हुआ है, बाई साइड एंगल साइड, ये हो गया है। अच्छा, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंस में हो गए हैं फिर तो कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो गया है, सो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। कैसे होगा भाई, सी पी सी टी से, क्लियर। अब ये अगर प्रूव हो गया है तो ठीक है, हो गया है और कुछ है नहीं। और अगर एक ट्रायंगल अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ए बी सी, ए है ये, बी है और सी है, और ए बी इक्वल टू ए सी है, सो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल, ये प्रूव करना था, हो गया है। चलो अब कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, तो हमने जो पढ़ा था उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं। कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस होते हैं, एक तो होता है साइड साइड साइड, साइड 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 में क्या हुआ कि तीनों साइड बराबर रहेंगी, पहले साइड ये हम इसके बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, और तीसरा क्या है इसके बराबर है, तो थ्री साइड रिस्पेक्टिवली सब भी क्या है इक्वल है, इससे क्या बोलते हैं ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट क्या है, एस ए एस, क्या है साइड एंगल साइड, मतलब कि दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, क्या है एक साइड ये है दूसरी, फिर एंगल आता है और फिर ये साइड है। नेक्स्ट क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्या कहते हैं कि एक एंगल फिर एक साइड हो, फिर एक एंगल हो, वही चीज यहां भी हो। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आरएचएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरएचएस, आरएचएस बेसिकली क्या है, राइट एंगल, आर से क्या बोलता है राइट एंगल, एच से क्या है हाइपोटेनस, क्या है राइट एंगल, एच से हाइपोटेनस और साइड, मतलब क्या हुआ एक राइट एंगल हो, ठीक राइट एंगल ठीक हो, और फिर हाइपोटेनस इसके सामने एक हाइपोटेनस हो, ठीक ये दोनों हो गई, और कोई एक साइड, तो कह देंगे कि ये क्या होगा आरएचएस कॉन्ग्रेंस होगा कोई भी एक। ठीक है चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, क्या है यहाँ फिगर दिख रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलस क्या है ट्रायंगल है, इन विच एल्टीट्यूड क्या कहा गया, एल्टीट्यूड क्या है बी ई, क्या है बी ई, ये क्या है एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ बनाया गया है। ठीक, ड्रॉन टू इक्वल साइड, इक्वल क्या है साइड ए सी और ए बी, तो क्या दिया गया है, ए सी इक्वल टू ए बी दिया गया है। ठीक है अच्छा, तो शो करना है कि दीज एल्टीट्यूड जो भी हमारे हैं ये इक्वल होंगे। ठीक, तो प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं, क्या प्रूव करना है, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव करना है ना, टू प्रूफ।
कैसे करेंगे देखते हैं। चलो बहुत सिंपल है, जो दिया गया है उसको लिखते जाएंगे और हो जाएगा सिंपली। अच्छा यहाँ पे जो ट्रायंगल लेने हैं, कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं देखते हैं। अगर ध्यान से देखो ठीक, तो यहाँ पे बी ई लेना है, ये अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए सी इक्वल टू ए बी दिया गया है। चलो इसमें हम कौन सा ट्रेंगल लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दो कि दोनों में क्या कुछ कॉमन है क्या। हाँ कॉमन है एंगल ए, क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। अच्छा और क्या है, ध्यान से हम पहले देखो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम। अच्छा एक बात समझो कि यहाँ पे क्या गया, एल्टीट्यूड कहा गया ये, तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा होगा। तो चलो यहाँ पे ये और ये पॉइंट क्या है, ये ए है, ये ए है, ये क्या है बी। एक ट्रेंगल ये ले लिए हैं, और दूसरा ट्रेंगल क्या होगा, ये डायग्राम चेंज कर लेते हैं। चलो सब सब बना लेते हैं थोड़ा। ये क्या है ई, ये ए और ये बी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या है, ये 90 डिग्री, ये पॉइंट क्या है एफ, ये क्या है ए और ये क्या है सी। अब अगर ध्यान से देखो इन दोनों में, तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया, क्या है ए बी है, ये इक्वल टू ए सी दिया गया है ठीक। और एंगल ए देख रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है। अच्छा और कहा गया है, और क्या है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, अब एंगल ए ई और बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी इक्वल होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। अगर तीन चीजें मिल गई तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है ए बी। अच्छा ये क्या है, राइट एंगल है। तो ध्यान रखो, तो क्या कॉन्ग्रुएंस बनेंगे क्या, नहीं ये कॉन्ग्रुएंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। बन रहा है क्या बताओ। नहीं नहीं बन रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो, हमने क्या बोला था, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। लेकिन जब राइट एंगल ट्रेंगल बात आती है ठीक, तो और उसमें हमने हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर लिया है ठीक, तो उस केस में ये हमारा कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, क्या ट्रायंगल ए ई ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए एफ सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है ठीक, सो हम कह सकते हैं ठीक, क्या सो डी ई इक्वल टू सी एफ। क्लियर है।
बाय सीपीसीटी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके आगे आप क्वेश्चन कहिएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा, न हो तो बताइएगा, नहीं तो हम कराएंगे फिर ठीक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, ओके।